नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज IBPS RRB स्केल वन का जो एग्ज़ाम है, वो अभी कुछ देर पहले संपन्न हुआ है, और फर्स्ट शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो अभी तक हमारे पास उपलब्ध हुए हैं। तो दोस्तों, ये नंबर सीरीज आई थी आज RRB एग्ज़ाम में, जिसे मैं आपके संग हर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, किस किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। बड़ी आसान सीरीज थी। तो पहला क्वेश्चन है कि 190, 94, 46, 22 और नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा। तो दोस्तों, आप देखिए, सबसे पहले आप डिफरेंस निकालिए। 190 माइनस 94 गया तो बचा 96, 94 में से 46 गया तो बचा 48, और 46 में से 22 गया तो बचा आपका 24। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ देखिएगा, 24 टू जा 48, 48 टू जा 96, तो कहीं ना कहीं 24 टू जा भी 12 टू जा 24 हो जाएगा यहाँ से। तो 22 में से जैसे ऊपर से जो घटाना हो रहा है उसी तरह से इसे घटा देंगे, तो 22 में से 12 गया तो बचा 10। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा नेक्स्ट जो डिजिट आएगा वो आ जाएगा 10। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 7, उसके बाद आया 5, 5 के बाद आया 12 या 12 के बाद आया 52, 7, 4, 5, 12, 52, तो अगला नंबर कौन सा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये हमारा है। तो देखिए दोस्तों, 7 को हम 4 में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि पहले 4 में कन्वर्ट करें, तो 4 में या तो हम डिवाइड करें किसी चीज़ का या किसी का मल्टीप्लाई करें, यही ध्यान में आता है। क्योंकि अगर हम घटाने से करेंगे तो पहले घट रहा है, फिर धीरे धीरे सभी बढ़ रहे हैं, तो इसको पहले हम डिवाइड से देखते हैं। तो 7 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 0.5 जोड़ दें, तो हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, अब इस 4 को हम 5 कैसे बनाएं? तो 4, तो देखो 4 को अब हम 0.5 का जो डबल है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 के साथ, और यहाँ 0.5 का जो डबल है उसके साथ इसे जोड़ देते हैं, तो हमारा आ गया ये 5। ठीक है, अब हम 5 को 12 में कन्वर्ट कैसे करते हैं? इसी तरह से इसका डबल ले लेंगे 2 और इसका डबल ले लेंगे 2, तो ये आ गया हमारा 12। अब 12 को हम 52 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसका डबल ले लेंगे 2, तो इसका डबल ले लेंगे 4, तो इस तरह से आ जाएगा हमारा 52। अब 52 को जो अगली संख्या होगी उसमें किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? तो 52 इंटू इसका डबल 8 प्लस 8, तो इसे आप कैलकुलेशन कर लेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 5 40 और 41 प्लस 8 424, तो इस तरह से ही हमारा आ जाएगा 424। तो बड़ा ही आसान था, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसी तरीके का है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा था। अगर आप ध्यान दें कि पहला जो नंबर है वो हमारे पास है 6, उसके बाद 4, उसके बाद 5, और इस तरह से इंक्रीजिंग होते जा रहे हैं, तो हमें कोशिश करते हैं कि पहली वाली सिचुएशन से ही हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6.5 प्लस 1, यानी कि हमारा आ गया 4। ठीक है, अब ये हमारा जो क्वेश्चन है वो पिछली जैसा ही है, पहले 7 था, अब क्या 6 है। तो इसके बाद अब आगे क्या करेंगे, 4 से हमें 5 लाना है, तो 4 और इसका डबल कर देंगे हम 1, और प्लस हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। इसी तरह से अब 5 को 11 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 इंटू 2 प्लस इसका डबल और इसका एक ही रहने देंगे 11। अब 11 से अगली संख्या कैसे आएगी, 11 इंटू 1, अगली संख्या आ गई 45। इसी तरह से 45
जो हमारी आई है उसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। एक मिनट दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ जो अंक आएगा वो 45 आएगा, हो सकता है मिसप्रिंटिंग हो गया हो। यहाँ जो अंक आएगा वो 45 आएगा, तो आपको 45 करके आगे चलना है। इसके बाद अगर हम 45 को इसी तरह से कर देंगे डबल, यानी कि 8 से और प्लस 1 जोड़ देंगे, तो 8 पंजे 40 और 8 चौका 32, 32 और 4 36 और 1 361, तो इस तरह से हमारा अगला जो आंसर आएगा 361। इसको ज़रा सही कर लें। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें है 89, 88, 85, 78 और 63। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस में कोशिश करिएगा कि अंतर आप ढूंढने के लिए, जब भी पास पास संख्याएं होती हैं उनमें बेसिकली अंतर, जो अंतर होता है और उसी के ऊपर आधारित वो सीरीज होती है। तो अब इसमें सबसे पहले अंतर करेंगे तो -1 का, अगले में उत्तर करेंगे अंतर करेंगे तो -3 का, अगले में अंतर करेंगे -7 का, और अगले में अंतर करेंगे -15 का। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों फिर दोबारा से इन जो माइनस हैं इनके बीच कितना अंतर है, इनके बीच अगर हम कहें तो 2 का अंतर है, इनके बीच फिर देखते हैं इनके बीच है 3 और 7 के बीच 4 का अंतर है, इनके बीच 8 का अंतर है, तो निश्चित रूप से आगे जो अंतर होगा वो 16 का होगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 31, और 31 को हम इसमें जोड़ देंगे तो 3 और 1 4 और 6 और 3 9, 94 इसका सही आंसर होगा। बड़ा ही आसान था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5, 28, 47, 64 और 77। तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले असेंडिंग वे में, तो इसे डिफरेंस के माध्यम से ही देखेंगे, 28 में से 5 गए 23, 47 में से 28 गए तो बचा 19, 64 में से 47 गए बचा 17, और 77 में से 64 गए तो बचा 13। दोस्तों अब एक चीज़, इन नंबर्स को देखने के बाद एक चीज़ हमें ध्यान आती है कि किसी में भी डिवाइड नहीं हो सकता। ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनमें डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसी आधार पर हम अनुमान लगाकर अगली जो संख्या आएगी वो हमारी आएगी 11। 11 का मतलब अगली संख्या 88। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से 88 संख्या आएगी, क्योंकि सभी नंबर इसी तरह के आ रहे हैं जिनमें कोई भी किसी भी तरह का डिवाइड नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस तरह की जो नंबर सीरीज वो आ रही है। इसके अलावा आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन और आए। तो दोस्तों ये देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के कोड पूछे गए थे, जैसे न्यू बैंकिंग सिस्टम का कोड है SSTPNA इस तरह से, और ऑफिसर इन यूनिफॉर्म का कोड है और MU@, न्यू बैंक ऑफिसर का कोड है और BKN, सिस्टम इन बैंक का कोड है BK@SS। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें पूछा गया था बैंक का कोड क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बैंक पर जाएंगे, बैंक किस किस लाइन में आ रहा है, तो बैंक इधर आ रहा है और बैंक इधर आ रहा है। अब इन दोनों में देखिए कॉमन कौन है, तो कॉमन कहाँ आ रहा है, तो इसमें और NA, BK@SS, तो एक ही चीज़ आ रही है कि बैंक जो कोड है इन दोनों में केवल B और K आ रहा है, तो इसका मतलब है B और K बैंक का कोड हो गया। तो दोस्तों इसके बाद अगला जो कोडिंग पूछी गई थी वो पूछी गई थी सिस्टम की, सिस्टम की कोडिंग क्या है। तो आप देखिए सिस्टम पहली लाइन में आ रहा है और आखिरी लाइन में आ रहा है सिस्टम। पहली लाइन और चौथी लाइन में जो कॉमन लेंगे तो वो क्या लेंगे, तो BK तो हट गया यहाँ से, AT बचा, AT ऊपर वाले में कहीं नहीं है लेकिन SS है, और SS यहाँ, तो सिस्टम का कोड हो गया SS। इसी तरह से ऑफिसर का कोड पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन तो आया नहीं था, क्वेश्चन तो यही दो आए थे, लेकिन अगर ऑफिसर का कोड पूछा जाए तो हम ऑफिसर वाली लाइन में जाएंगे, ऑफिसर और दूसरा ऑफिसर ये रहा। तो अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, देखिए और दोनों में है, BK हमारा पहले ही हो चुका है, NA इनमें से किसी में नहीं है, तो हम यहाँ से ऑफिसर का कोड हमें सीधा सीधा मालूम पड़ रहा है, दोनों में कॉमन और है। तो इस तरह से हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और इसी तरह के कोडिंग डिकोडिंग आज आए।
दोस्तों अब देखते हैं ये जो आज जो मंथ वाली जो पजल पूछी गई वो किस किस तरह से थी। तो क्वेश्चन था देर आर 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी बॉर्न इन 8 डिफरेंट मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून अगस्त एंड अक्टूबर। 8 महीने थे जिनमें कि 8 पर्सन अलग अलग महीनों में पैदा हुए। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि इस पजल के लिए हम 2 संभावनाएँ तलाशें और उनके लिए एक आउटलाइन खींचें। तो दोस्तों इस तरह की हम आउटलाइन खींच लेते हैं क्वेश्चन करने से पूर्व। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप देख ले इस तरह की आउटलाइन खींच सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं ये 8% नहीं है 7% है। जब हमने महीनों को आउटलाइन खींचा तो पता चला केवल 7 ही पर्सन है ए बी सी डी एफ जी। मुझे लगा एच भी था लेकिन ये मिसप्रिंट हो गया। तो कंडीशंस अब हम देख लेते हैं जल्दी देरी ना करते हुए। ए बॉर्न ऑफ मंथ ऑफ लेस देन 31। तो ए जो है वो ऐसे महीने में पैदा होता है जो कि 31 से कम है बट नॉट इन अप्रैल। यानी कि ए जो है अप्रैल को छोड़कर वो 31 डेज जिसमें है उससे कम दिनों वाले महीने में पैदा हो सकता है। तो ए कौन सी जगह पैदा होता है? एक तो 28 फरवरी में, क्योंकि अप्रैल में तो आ नहीं सकता, पहले भी कंडीशन दे रखी है। और ए आ सकता है 30 जून में। तो हमने लगाया ए यहाँ पर आया। इसी तरह से अगर हम दूसरी कंडीशन में आए तो ए फरवरी में हमने यहाँ लगा लिया। ठीक है, देर आर 3 पीपल बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में कितने पीपल हैं? 3। तो नीचे तो आ नहीं सकता, यहाँ अब ऊपर ही ले जाएंगे 1, 2 और 3, यानी कि सी हमारा यहाँ आ गया। इसी तरह से 1, 2 और 3, तो सी हमारा आ गया यहाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। बी बॉर्न वन ऑफ द डे आफ्टर डी। तो बी जो है वो डी के बाद पैदा हुआ है। सीधा सीधा सिस्टम है, अभी हम इसे रख नहीं रहे लेकिन जैसे ही हमारे पास क्लू और मिलेंगे तो हम इसे रखेंगे। नो पर्सन बॉर्न बिटवीन बी एंड डी, यानी कि बी और डी के बीच जो भी आएंगे उसमें कोई भी पर्सन किसी भी तरह से कोई पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, डी जो है बी के नीचे तो आएगा, इसके बाद कहता है ई बॉर्न वन ऑफ द डे बिफोर जी, यानी कि ई जो है वो जी से पैदा हुआ है, पहले पैदा हुआ है। ठीक है, ई नॉट मैक्सिमम नंबर डेज, यही हमारी लाइन का क्लू है। अगर हम कहें कि जी जो है जो ई है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज में हुआ है, यानी कि मैक्सिमम नंबर डेज हमारे कौन से हैं? 31। तो जी जो है 31 की किसी तारीख को नहीं हुआ है। अब हम पहली कंडीशन में देखते हैं कि जी जो है हम कहाँ रख सकते हैं, और उसके बाद सीधा हमें ई लाना है। तो सबसे पहले हम अगर हम ई यहाँ रखें तो जी हमारा यहाँ आ सकता है, 31 डेज हैं, ऊपर तो रख नहीं सकते जनवरी के माह में। अगस्त में रखें एक यहाँ भी आ सकता है, लेकिन हमसे कहा गया है कि ई जो है 31 डेज में नहीं रख सकते, तो ये हमने गलत रख दिया था, यहाँ नहीं आ सकता था। तो हमारे पास केवल फरवरी बचा है तो ई को हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, अगर हम 30 वाले दिन में यहाँ रखेंगे तो यहाँ ए आ जाएगा, तो ये बात नहीं बनेगी। तो ई के बाद करेक्ट आ गया जी। अब हमारे पास एक कंडीशन बची कि बी बॉर्न वन ऑफ द डे आफ्टर डी, यानी कि डी के बाद बी पैदा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ तो रख नहीं सकते, यहाँ तो 2 लगातार आएंगे। तो अगर हमने यहाँ रख लिया डी और यहाँ लिख लिया बी, हमारे पास कौन सा बचा? ए बी सी डी ई एफ। तो एफ हमारा यहाँ आ गया, यानी कि पहली कंडीशन से ही हमारा सॉल्व क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो इसलिए दूसरी कंडीशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। पॉसिबिलिटी अगर देखनी है तो एक्स्ट्रा टाइम ज़ाहिर करना है आपको एग्ज़ाम में। हमें सबसे ज़रूरी है एग्ज़ाम में कि जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो इस तरह के क्वेश्चन आज एग्ज़ाम में पूछे गए जो अभी तक हमारे पास उपलब्ध हैं। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे हमारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सके। थैंक यू वेरी मच।